अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। इस रेसिपी के लिए जी हमें चाहिए सबसे पहले मटन। आप 1 kg लें या 1/2 kg, मेरा 1/2 kg से थोड़ा अबव है। मटन की स्पेशल डिश मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जी बनने जा रहा है मटन दम अनारकली। अनारकली मटन दम तैयार होने के लिए हमें चाहिए तकरीबन मटन, इसके साथ ही मुझे चाहिए मटन दम अनारकली के लिए हमें चाहिए आलू। इनको आपने साबित ले लेना है, आप इस साइज़ में लें, दरमियाने साइज़ में लें, लेकिन हमने इनको छील के इस तरह से रख लेना है। हमने इनको ओ शेप में नहीं काटना, साबित ही रखना है। इसके लिए जी मुझे चाहिए तकरीबन 250 ग्राम दही, ये ज़्यादा है, मैं इसमें से हाफ लूँगी। और लहसुन और अदरक का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये मैंने पानी डाल के जग में इनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसके साथ ही मटन दम अनारकली की स्पेशल चीज़ जो हमें चाहिए वो इसमें ऐड होने लगी है जी, चिल्ली सॉस। मैं चिल्ली सॉस ऐड करूँगी इसमें। इसके साथ ही जो स्पाइसेस हैं ये हैं नमक 1.5 टेबल स्पून, रेड मसाला लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, ये मसाला है जी कौरमा मसाला जो मैंने खुद से तैयार किया हुआ है, मैंने बार बार इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। इसके साथ ही 3 अदद आलू बुखारे ले लिए हैं मैंने, हल्दी ले ली है तकरीबन 1 टेबल स्पून, धनिया मगज़ ले लिया है जी मैंने 2 टेबल स्पून भर के, और ये साबित गरम मसाला है। इसके साथ ही हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम अपनी रेसिपी को तैयार करना स्टार्ट करते हैं। आपने ऑयल ले लेना है तकरीबन 1 प्याली भर के, या आप इसे देसी घी में भी बना सकती हैं। मटन दम अनारकली मैं मटन में तैयार कर रही हूँ, आप इसको बीफ और चिकन में भी बना सकती हैं, लेकिन ये स्पेशल रेसिपी मटन के लिए है। अब मैं इसमें मटन ऐड करने लगी हूँ। मटन दम अनारकली में सबसे पहले आपने मटन को ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसको हमें भून रही हूँ, 4 से 5 मिनट आपने इसको ऑयल में अच्छे से भून लेना। 5 से 7 मिनट हमने मटन को अच्छे से ऑयल में भून लिया। इसके बाद मैं इसमें टमाटो ऐड करने लगी हूँ। अब हमने इसको भी मटन के साथ ही तकरीबन 5 से 7 मिनट और भून लेना है अच्छे से। मैंने अच्छे से भून रही हूँ, आपने स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से रेसिपी को बनाना है। ये है जी मटन और आलू, साथ ही बनने जा रहा है दम अनारकली। बहुत ही लजीज रेसिपी है ये, बहुत ही मज़े का बनता है। अब आलूओं को भी मैंने अच्छे से भून लिया। अब इसमें लहसुन और अदरक का मैं लिक्विड ऐड करने लगी हूँ जो मैंने अच्छे से ग्राइंड किया है, अब वो ऐड कर लें। फिर हमने इनको अच्छे से भून लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट और भून लें बहुत अच्छे से। हमने लहसुन और अदरक को इतनी देर फ्राई करना है, भूनना है मटन और आलू के साथ जब तक आपको इसकी कच्चेपन की स्मेल ना आए, यानी इसकी स्मेल हमें दूर करनी है, इतनी देर तक हमने इसको भूनना है। लहसुन का अब कच्चापन दूर हो चुका है, अब बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस शुरू हो गई है। अब इस टाइम पे मैं इस पर तमाम मसाला जात ऐड करने लगी हूँ, तमाम चीज़ें अब हमने इसके अंदर डाल देनी है। फिर हमने इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और भून लेना है। स्टेप बाय स्टेप आपने बिल्कुल मेरी रेसिपी के साथ फॉलो करना है, बिल्कुल न्यू रेसिपी है ये। 2 से 3 मिनट में इसको भूनूंगी। भूनने के दौरान बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आप ज़रूर बनाइएगा बहुत ही नए टेस्ट के साथ। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ जी चिल्ली सॉस भर के, मैं 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी, यही चम्मच एक हो गया, अब ये एक और जाएगा, आप 2 से 3 भी ऐड कर सकती हैं। एक और मैंने अब ऐड कर दिया, फिर मैं इनको अच्छे से भुनाई करूँगी, बहुत अच्छे से भुनाई करनी है आपने। और अनारकली की रेसिपी है, न्यू रेसिपी है और बहुत ही टेस्टफुल बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त। आपने पहले ऐसी रेसिपी ना ही किसी चैनल पे देखी होगी ना ही बनाई होगी,
फर्स्ट टाइम आपको मेरे चैनल पे ये रेसिपी मिल रही है जी। भुनने के बाद अब मैं इसमें दही ऐड करने लगी हूँ। हाफ दही मैंने ले लिए, दही को अच्छे से मैंने फेंट लिया था। अब हमने दही, मटन, आलू और इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तकरीबन इतना प्याली में पानी ले रही हूँ बस। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके बंद करने लगी हूँ। तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये हमारा सालन बनके रेडी हो जाएगा। दम, मटन, अनारकली, नॉर्मल आंच पे हमने 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख देना है। अभी मैंने इसे ओपन कर लिया। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सालन बन के रेडी हो चुका है। ये है जी मटन दम अनारकली सालन, रेड रेड इसका कलर है। बहुत ही ज़बरदस्त और न्यू रेसिपी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आधे घंटे में मैंने इसको अब ओपन किया है। तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको पकने में लगे हैं और 5 मिनट मैंने इसको ऐसे ही दम पे रखा है। नीचे से फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर लिया था। बहुत ही यम्मी, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बन के रेडी है। अब मैं इसको डोंगे में निकालती हूँ। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, मैंने इसमें इसको डोंगे में निकाल लिया। मैं इसमें हल्की सी कसूरी मेथी जो ड्राई है वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने हल्का सा इसके ऊपर ये जी हरी मिर्च, रेड मिर्च ये मैंने काटी हुई है, ये इसके ऊपर डाल लेना है आपने। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा अनारकली दम मटन सालन रेडी है। बिल्कुल दम मटन अनारकली सालन रेडी हो चुका है। मेरे तरीके से ज़रूर रेसिपी को बनाइएगा, आपको बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े की लगेगी। इस तरह से पहले आपने किसी और चैनल पर नहीं देखी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दें और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।